और कितना समय लगेगा जादूगर? जादूगर, तुम जादू कर रहे हो, मेरा समय नष्ट कर रहे हो। किस शक्ति का आह्वान कर रहे हो तुम? जादूगर बंद करो अपना कर्म कांड, इसी क्षण बंद करो। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल मेरा समय नष्ट कर रहे हो तुम। नहीं महाराज, नहीं, मैं तो आपका दास हूँ महाराज, और आपके आदेश पर तो मैं असंभव को भी संभव कर दूं। महाराज, बस इसी प्रयत्न में थोड़ा समय लग गया महाराज, परंतु महाराज अब आपकी ये प्रतीक्षा सफल होने वाली है। मैं जिस दैत्य का आह्वान कर रहा था वो है रुद्रावन। रुद्रावन? हाँ महाराज, रुद्रावत, रुद्रावत। ये वही दैत्य है ना? हाँ जादूगर, जिसे भगवान शिव का विशेष वरदान प्राप्त है, यही है ना वो? हाँ महाराज, आपने सही पहचाना, ये वही दैत्य राज है जिसे शिव का वरदान है। ना ही इसे कोई दानव मार सकता है, ना ही मानव, बल्कि यही नहीं महाराज, इसका अर्ध शरीर दानव का है और अर्ध शरीर मानव का। इसके पिता दैत्य थे और इसकी माता स्त्री, अतः उसमें मनुष्य और दानव दोनों की शक्तियां हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि ये आपका कार्य अवश्य सफल करेगा। बस महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, मैं उसे अभी आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। न उसे दानव मार सकता है, न मानव। इसकी शक्ति के विषय में सुनकर मैं बहुत अधिक व्यग्र हो रहा हूँ जादूगर। तो यदि उसे यहाँ आने में समय लग रहा है ना, तो तुम मुझे वहां शीघ्र ले चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल यही मेरे काल को समाप्त कर सकता है। ये जादूगर किस भयानक वन में ले आया तुमको? रुद्रावत है ये, जैसे भयंकर राक्षस ऐसे ही भयावह जंगल में रहते हैं, तुम्हारे तरह हवेली में नहीं रहते। बंद करो अपनी बकबक। बताओ कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा? बताओ। बस महाराज, बस निकट ही है महाराज, थोड़ी दूर और चलना है महाराज। ये जादूगर किसी कार्य का नहीं है, इसे एक कार्य दो वो करने में विलंब लगाता है। उचित कहा हमारा, अब तो गई भैंस पानी में, अब क्या होगा जादूगर, क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह वाह, चलो। चलो जादूगर, ये गुफा के बाहर इतना धुआं क्यों है? अरे धनु, तू मेरे हाथ पकड़, कहीं आंधी हम दोनों को ना उड़ा ले जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ओम। यहां तक आने का साहस कैसे किया? मेरी तपस्या में
विक्टर नहीं हो, कौन हो तुम? राजा अंकलेश्वर मां, हम तुम्हारी समस्या में बिगड़ डालने नहीं आए हैं। और मैं एक जादूगर हूँ, मैं साहूकार धनुपति, और ये है महामहिम मथुरा नरेश महाराज कंस है। मथुरा नरेश कंस, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी शक्तियों की बहुत अधिक चर्चा सुनी है मैंने, परंतु तुमसे मिलने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। और मैंने सुना है कि ना तुम्हें दानव मार सकता है ना मानव मार सकता है, क्या ये सत्य है? आपने सत्य सुना है महाराज कंस, ये वरदान मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे दिया है। मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हूं। अमर।